Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology chapter number 15, that is biodiversity and conservation. Today's video pertains to WCU or IUCN Red List. WCU is World Conservation Union, which was formerly known as IUCN, that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. तो WCU है इसका पुराना नाम IUCN है. इसका जो हेडक्वार्टर है मॉर्जिस स्विट्जरलैंड में है. WCU का मुख्य कार्य क्या है? बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट को स्टडी करना. क्या किया जाता है इसमें? पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन है टैक्सा के बारे में वो कलेक्ट की जाती है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, फिर वहाँ से पता लगाया जाता है कि कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन. सो इट प्रिपेयर्स ए रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक. तो फिर उसके आधार पर एक रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक प्रिपेयर की जाती है. रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक क्या है? एक ऐसी बुक है जिसमें जो जितनी भी स्पीसीज और सब स्पीसीज हैं विच आर फेसिंग वेरियस डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है. तो रेड लिस्ट इज ए कैटलॉग ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज फेसिंग वेरियस डिग्री ऑफ एक्सटिंक्शन रिस्क बाय यूजिंग अ सेट ऑफ क्राइटेरिया रेलेवेंट टू ऑल स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो सबसे पहले जो रेड लिस्ट थी वो दैट वाज पब्लिश्ड इन 1963 और लेटेस्ट में अभी हाल ही में 2004 में पब्लिश हुई थी. अब रेड डाटा लिस्ट प्रिपेयर करने के क्या एम है? सबसे पहला है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डेवलप अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज. क्लियर है ये. आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट इंपार्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्जेंसी एंड स्केल ऑफ कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स टू पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर. पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स को कंजर्वेशन के बारे में, उसकी जरूरत के बारे में समझाना, उनके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना. प्रिपेयरिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज एट लोकल लेवल, गाइडिंग कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन वर्क. लोकल लेवल के ऊपर कंजर्वेशन प्रायोरिटीज को प्रिपेयर करना. गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी लाइक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, दैट इज साइट्स. WCU और ICUN हैज रिकॉग्नाइज्ड 9 कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज इन रेड लिस्ट. दे आर एक्सटिंक्ट. तो जो 9 कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इसमें एक्सटिंक्ट, देन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल, फिर नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवेल्यूएटेड. तो जो 9 प्रकार की स्पीसीज जो है वो उसमें कैटेगरी दी गई हैं. इसमें हम देखेंगे अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं. सो दे आर दो स्पीसीज विच आर एट एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ इमिनेंट एक्सटेंशन इन द वर्ल्ड. ऐसी स्पीसीज हैं जो कि जिनको एक्सटिंक्ट होने का बहुत ज़्यादा खतरा है वाइल्ड में, मतलब कि नेचर में. जैसे पिग्मी हॉग है, सस सल्वेनियस है, बर्बेरिस नीलगिरियंसिस. उसके बाद है एंडेंजर्ड स्पीसीज. दे आर दोज आर द वंस विच हैव ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर. आने वाले फ्यूचर में उनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा है वाइल्ड में. जैसे एलुरस फिलजेंस, रेड पांडा है, वाइल्ड एस एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज वल्नरेबल स्पीसीज. Is the one which is undergoing depletion and is likely to face risk of extinction in the wild in medium term future. Medium term future में जिसका wild में extinct होने का खतरा है उसको, उन species को हम vulnerable species कहते हैं. जैसे Felis bengalensis है, leopard, cat, presbytes गिरी, golden langur. तो ये vulnerable species की example है. All these three categories of species are called threatened species. तो इन तीनों category को हम collectively threatened species का नाम देते हैं. तो threatened species are those species which are likely to become extinct if they are not provided with proper habitat, food or protection which shall make them realize full biotic potential. तो threatened species ऐसी species हैं जिनको अगर ध्यान ना दिया गया तो वो extinct हो सकती हैं. तो आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.